नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम ऋषि, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार डीजल अनुदान आवेदन के बारे में। दोस्तों, बिहार डीजल अनुदान आवेदन में जो है एक बड़ी अपडेट आप लोग का जारी किया गया है कि अभी आप लोग का जो आवेदन का स्टेटस है वो चेक होना शुरू हो चुका है। साथ में दोस्तों ये भी आप लोग का शो करना शुरू कर दिया है कि अगर आपने यहाँ पे आवेदन किया है तो कितना आवेदन आप लोग का एक्सेप्ट हुआ है, यानी कि कितना खेत में आप लोग को यहाँ पे अनुदान दिया जाएगा वो भी आप लोग को यहाँ पे जानकारी दिया जाएगा। अब किस तरीके से आप लोग को स्टेटस चेक करना है वो मैं आप लोग को यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, ऐसा कि आप लोग जानते हैं कि टोटल यहाँ पे जो है आप लोग को 8 एकड़ के लिए यानी कि 800 डिसमिल के लिए जो है यहाँ पे पैसा मिलने वाला है। अब मान लीजिए कि आपने 5 डिसमिल, 6 डिसमिल या फिर 7 डिसमिल के लिए यहाँ पे आवेदन किया है तो जो आपके यहाँ पे कृषि समन्वयक है उनके द्वारा आपका कितना पैसा यहाँ पे पास किया गया है, कितना खेत आप लोग को यहाँ पे जो है बताया गया है वो मैं आप लोग को यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डेट का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते अपना आज का वीडियो। स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको जो डीवीटी एग्रीकल्चर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस वेबसाइट पे आना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आने दोस्तों आप यहाँ पे देख पाओगे आवेदन की स्थिति का आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आप देख पाओगे डीजल सब्सिडी 2022-23 आवेदन स्थिति, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का शो कर देगा। यहाँ पे आप लोग का जो किसान पंजीकरण संख्या है वो आप लोग वहां पे डालना है और स्टेटस पे आप लोग को क्लिक करना है। तो मैं जो यहाँ पे किसान पंजीकरण संख्या डाल लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो दोस्तों, मैंने जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लिया। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको करना क्या है, स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। स्टेटस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का शो कर देगा। यहाँ पे आप लोग का किसान पंजीकरण संख्या है, नीचे आप यहाँ पे देख पाओगे कि किसान का जो नाम है वो आप लोग यहाँ पे शो कर रहा है, आवेदन संख्या आप लोग का शो कर रहा है और यहाँ पे आवेदन तिथि आप लोग का बताया गया कि आपका कब आवेदन होगा है वो आप लोग यहाँ पे शो कर देगा। अब यहाँ पे आप देख पाओ दोस्तों, सबसे पहले आप लोग का पहला स्टेटस है, यहाँ पे आप लोग का बताया गया कि कृषि समन्वयक यानी कि कृषि समन्वयक के द्वारा आप लोग का क्या बताया गया है वो आप लोग पे बताया गया कि कृषि समन्वयक के द्वारा डीजल से सिंचाई का रकबा 90 डिसमिल पर एक सिंचाई का सत्यापन किया गया। यानी दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग का जितना भी आपने आवेदन किया है उसमें जो है सिर्फ 90 डिसमिल आप लोग पे पास किया गया कृषि समन्वयक के द्वारा यानी कि कोऑर्डिनेटर के द्वारा सिर्फ आप लोग का 90 डिसमिल यहाँ पे जो है पास किया गया है। अब इन्होंने जो यहाँ पे लगभग 300 डिसमिल के लिए यहाँ पे आवेदन किया था लेकिन इनका सिर्फ जो है 90 डिसमिल यहाँ पे पास किया गया है। उस पर यहाँ पे आप लोग को बता दोस्तों कि जिला कृषि पदाधिकारी को अग्रसित कर दिया गया है। यानी दोस्तों यहाँ पे जो आप लोग का आवेदन है वो आप लोग का 90 डिसमिल के लिए आगे जो है आप लोग का भेज दिया गया है। अब यहाँ पे आप लोग का बताया कि किस तारीख को आप लोग का जो आवेदन है उसका यहाँ पे वेरिफिकेशन हुआ है वो आप लोग यहाँ पे बताया गया है। तो 10 तारीख को यहाँ पे जो इनका आवेदन का वेरिफिकेशन है वहां पे किया गया है। उसको दोस्तों यहाँ पे आप लोग का बताया कि जिला कृषि पदाधिकारी, तो यहाँ पे जो जिला कृषि पदाधिकारी है उन्होंने क्या बोला है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जिला कृषि पदाधिकारी स्तर पर लंबित, यानी आपका आवेदन जो है जो जिला कृषि पदाधिकारी होते हैं डीओ जो होते हैं उनके स्तर पे आप लोग का जो यहाँ पे आवेदन है वो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। उन्होंने जो अभी वेरिफिकेशन नहीं किया है वो जब वेरिफिकेशन कर देंगे यहाँ पे आप लोग का शो कर देगा कि कितना पैसा उन्होंने यहाँ पे पास किया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैंने आप लोग को यहाँ पे जानकारी दे दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।